दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की एक बेस्ट हॉरर मूवी। यहाँ पे मैं आपको टॉप 5 या फिर टॉप 10 हॉरर मूवीज के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में बताऊंगा जो कि साउथ की सबसे बेस्ट मूवी है। अगर आप साउथ की फिल्मों के फैन हो, आपको हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस मूवीज देखने का शौक है तो आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही मूवी के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो छोटा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको उस मूवी के बारे में अंदाजा भी आ जाएगा और उस मूवी की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहां से जाके वो मूवी भी देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं उस फिल्म के बारे में। उस फिल्म का नाम है डेमोंटो कॉलोनी। ये साउथ की अब तक की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी है। अगर आप इस फिल्म के रैंकिंग में जाओगे टॉप 5 या फिर टॉप 10 में तो ये फिल्म जो है वो आपको हॉरर के लिस्ट में सबसे नंबर 1 में नजर आएगी। यहाँ पे मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा या फिर इस फिल्म का कोई भी सस्पेंस आपको यहाँ पे मैं रिवील नहीं करूंगा, सिर्फ इस मूवी के मेन पॉइंट जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको इस मूवी को देखने का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। फिल्म की शुरुआत में 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि एक आम आदमी की प्रॉब्लम होती है पैसा, उनकी भी लाइफ में वही प्रॉब्लम होती है। बस कहीं से भी अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में इन चारों में से एक को एक लॉकेट के बारे में पता चलता है। उस लॉकेट की कीमत जो है वो करोड़ों में होती है और उस लॉकेट की मार्केट वैल्यू जो है वो करोड़ों के ऊपर होती है। ऐसे में वो ये सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस लॉकेट को चुराना है। और तो और उस लॉकेट की भी एक कहानी होती है कि उस लॉकेट को जो भी चुराएगा उसकी मौत पक्की होती है। और वो लॉकेट जिस महल में होता है उस महल का नाम होता है कांचना महल, जो कि एक भूतिया महल होता है। लोगों को पता है उस महल में वो लॉकेट है जिसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन उस कहानी की वजह से कि वो लॉकेट जो भी चुराएगा उसकी मौत पक्की है, इस वजह से आज तक कोई उस लॉकेट को उस महल से बाहर लेकर नहीं आया। तो ऐसे में चारों में से एक जो होता है वो प्लान करता है कि इस महल में जाएंगे और उस लॉकेट को चुरा कर बाहर लेकर आएंगे। ऐसे में बाकी के जो 3 होते हैं उन्हें तो इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है, बस वो उस रात में कोई थ्रिल करना चाहते थे, इस वजह से वो कांचना महल के अंदर चले जाते हैं और वहां पे वो चारों में से एक बंदा जो है वो उस लॉकेट को वहां से चुरा कर अपने बैग में डाल देता है और उस महल से वो लोग बाहर आते हैं। वो उस लॉकेट को चुरा कर अपने रूम पे लेकर आते हैं, अपने घर पे लेकर आते हैं और धीरे धीरे चालू होता है मौत का तांडव। उन चारों की एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से मौत होती है, लेकिन हर किसी की जिस तरीके से मौत दिखाई गई है, जिस तरीके से वहां पे वो हॉरर का तड़का डाला है, भाई अगर आप अकेले देखोगे ना तो फटके हाथ में आ जाएगी। इस मूवी में हॉरर का पार्ट तो ज्यादा ही, उसके साथ साथ सस्पेंस भी इसमें बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको फिल्म का पूरा सस्पेंस नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म जो है आपको हिंदी डब में मिल जाएगी YouTube पे और उस फिल्म के लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिए, आप वहां से जाके ये फिल्म देख सकते हो। और ये फिल्म देखने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए फिल्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।